हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर काम बटन दबाते ही हो जाता है, फिर चाहे वो टीवी चलाना हो या ऊंची ऊंची बिल्डिंग में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचना ही क्यों ना हो, आज ये काम बड़ी आसानी से ही हो जाता है। तभी तो आज आसमान छूने वाली इमारतें बनने लगी है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर ये लिफ्ट ना होती तो क्या होता? तो ये संभव होता कि हम पहली मंजिल से 20वीं मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़कर जा पाते? नहीं ना। इसलिए इन ऊंची बिल्डिंग को सफल बनाने के पीछे लिफ्ट के इम्पोर्टेंस को हम कम नहीं आंक सकते, जिसकी बदौलत आज ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स में घर और ऑफिस लेने की हिम्मत जुटाई जाती है। वरना बार बार इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का विचार ही हमें उलझन में डाल देता। तो ऐसे में हमारी हेल्पफुल रहने वाली इन लिफ्ट के बारे में जानना भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आइए जानते हैं लिफ्ट के आविष्कार के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। बहुत सारे लोग लिफ्ट को एक मॉडर्न इन्वेंशन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिफ्ट की ज़रूरत बहुत ही पहले ही महसूस कर ली गई थी और तभी से ही लिफ्ट के इन्वेंशन का सफर शुरू हो गया था। सबसे पहले 236 BC में रोमन आर्किटेक्ट विट्रुवियस ने लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन किया और इसके बारे में आर्किमिडीज को जानकारी दी। उसके बाद 1743 में फ्रांस के किंग लुइस के लिए लिफ्ट बनाई गई, जिसे फ्लाइंग चेयर नाम दिया गया। किंग की बालकनी में रखी गई इस फ्लाइंग चेयर को मैन्युअली ऑपरेट किया जाता था। पहली स्क्रू ड्राइवर एलिवेटर बनाने का श्रेय इवान कुलिंबन को जाता है और उनकी इस रिसर्च ने मॉडर्न एलिवेटर को आविष्कार करने में काफ़ी सहयोग किया। साल 1852 में एलिसा ग्रेविस ओटिस ने सेफ्टी एलिवेटर का आविष्कार किया, इसीलिए लिफ्ट के इन्वेंटर के रूप में एलिसा ओटिस को पहचान मिली। इसके बाद बहुत से एक्सपेरिमेंट और सुधार के बाद हमें आज मॉडर्न एलिवेटर की सुविधा मिली। हमारे प्यारे भारत की पहली लिफ्ट ओटिस द्वारा 1892 में कोलकाता के राजभवन में स्थापित की गई। क्योंकि ये भारत की पहली लिफ्ट थी तो ये स्पेशल होना बनता था, इसीलिए इसे बर्ड गेज वाली लिफ्ट बनाई गई थी। ये लिफ्ट एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट का ओटिस का पहला डिज़ाइन था। अपने अस्तित्व के 120 वर्ष में लिफ्ट का केवल दो ही बार मॉडर्नाइजेशन किया गया है, पहली बार 1969 में और दूसरी बार 2010 में कंट्रोल वायरिंग और फीचर्स में बदलाव किए गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1892 की ये इम्पोर्टेंट लिफ्ट कोलकाता के राजभवन में अभी भी चल रही है, तो अगर आप कोलकाता जाओ तो ये लिफ्ट जरूर देखना। एलिसा ओटिस द्वारा 1853 में स्थापित कंपनी ने दुनिया के कुछ फेमस स्ट्रक्चर्स में भी अपनी लिफ्ट स्टैब्लिश किए, जिसमें से वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी शामिल है। एलिवेटर के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो एलिवेटर के इन्वेंशन हुआ उसको तो बहुत साल बीत गए, लेकिन आज दुनिया भर में 32.5 करोड़ से अधिक लोग हर दिन एलिवेटर पर सवारी करते हैं। आप सभी को पता होगा कि लिफ्ट के शुरू होते ही एक म्यूजिक बजता है। ये ट्रेन पहली बार 1920 के दशक में शुरू हुआ था और इसे उन डरे हुए लोगों को शांत करने के लिए लगाया गया था जो पहली बार लिफ्ट का उपयोग कर रहे थे। वर्ल्ड की फास्टेस्ट लिफ्ट 75.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करती है और इस लिफ्ट को बनाया है जापानी हिताची बिल्डिंग सिस्टम कंपनी लिमिटेड ने और इसे 10 सितंबर 2019 को चीन के ग्वांजू के रोजवुड फाइनेंस सेंटर में इस्टेब्लिश किया गया था। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन की वीडियो इतना ही। मुझे उम्मीद है कि होमस्टेड पर लिफ्ट के इन्वेंशन की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।